तो बात करने वाले, आप किस तरह से मान लीजिए एग्जाम दिया है, इसके अलावा यदि मान लीजिए कोई बाइक है या फिर कार है उसका चालान कटा है, या फिर मान लीजिए आप जो कि ओनर है उसका है, जो कि इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या प्रोसेस है, इन सभी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहे, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। यदि मान लीजिए जो कि आपका गाड़ी नंबर है उसे चेक करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से गाड़ी नंबर बस डालेंगे, फुल्ली डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं टेक बिंद्रा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं किस तरह से आप गाड़ी नंबर से फुली डिटेल, ओनर का डिटेल, इसे फिर मान लीजिए आपका चालान कटा, इसके अलावा यहाँ पर एग्जाम दिया है, ड्राइविंग लाइसेंस, तो यह सभी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो डिटेल में जानने के लिए चलते हैं आपके यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर, और आपको दिखाते हैं किस तरह से आपको यहाँ पर चेकआउट करना। बात करते हैं किस तरह से आप इसमें चेक कर सकते हैं, जहाँ पर अपना जो कि बाइक होता है या फिर मोटर बाइक होता है या फिर कार होता है या फिर ट्रैक्टर या फिर बस, जहाँ पर कोई भी व्हीकल है आप बहुत ही आसानी से उसका चालान चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मान लीजिए आप चाहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस तो अभी चेक कर सकते हैं। तो इसे ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से ऐड आएगा, तो इसे आपको यहाँ पर कट कर देना होगा। सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट लैंग्वेज आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऐड आएगा, तो इसे कट कर देना जी अपन, क्योंकि यहाँ पर यह फ्री एप्लीकेशन है तो हो सकता है आपको ऐड देखने के लिए मिल जाए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पर जो कि फ्यूल का प्राइस है, जैसा कि इसमें देख सकते हैं जो कि आपका पेट्रोल डीजल, इसके अलावा यहाँ पर CNG का दाम भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, और इसके अलावा मोस्ट ट्रेंडिंग और मोर एप्लीकेशन। यहाँ पर मेन फीचर यही है कि जो कि आपका RTO का ऑल फीचर होता है, जैसे कि यहाँ पर आपका एग्जाम हो गया RTO एग्जाम, और यहाँ पर प्रिपेयर एग्जाम, इसके अलावा यहाँ पर RTO इन्फॉर्मेशन, उसके बाद ट्रैफिक सिग्नल इन्फॉर्मेशन, तो ये सभी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं फाइंड व्हीकल ओनर्स एंड डिटेल, तो सिंपली जो भी आप गाड़ी का नंबर इसमें डालेंगे तो उसका जो कि गाड़ी का ओनर है उसका नाम देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा यदि मान लीजिए आप चेक करना चाहते हैं कि उस गाड़ी का चालान कटा है या फिर नहीं कटा है, तो बहुत ही आसान, जैसा कि इसमें देख सकते हैं आपको बाइक कार, उसके बाद यहाँ पर बस ट्रैक्टर, उसके बाद आपको बहुत सारा आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाए, जैसे कि यहाँ पर लाइसेंस इंफॉर्मेशन और चालान। तो सिंपली आपको यहाँ पर जो कि कार है या फिर बाइक है उसका गाड़ी का नंबर यहाँ से आप स्कैन करके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बाइक का नंबर यहाँ पर डाल करके चेक कर सकते हैं, और कार का इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप ले सकते हैं। उसके बाद ट्रक और बस का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा, और ट्रैक्टर का इन्फॉर्मेशन यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। तो बात करते हैं किस तरह से आप चेकआउट कर सकते हैं किसी का गाड़ी का नंबर डाल करके, जहाँ पर तो बाइक पर आपको क्लिक कर देना होगा, उसके बाद यहाँ पर एक ऐड आएगा, इसे आपको क्लोज कर देना होगा, और यहाँ पर एक गाड़ी का नंबर डाल देना होगा। जहाँ पर कोई भी आपका बाइक हो उसका नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं, तो डालने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर टाइप बटन देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं सिंपली गाड़ी का नंबर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो सिंपली गाड़ी का नंबर यहाँ पर डालने के बाद सिंपली आपको दिखा, सो गाड़ी का नंबर डालने के बाद सिंपली आपको सर्च बटन पर क्लिक कर देना होगा। सर यहाँ पर आपको एक ऐड आएगा, इसे कट कर देना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद स्टेटस देख सकते हैं, ओनर नेम यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर सन नेम देख सकते हैं, उसके बाद ओनरशिप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सभी चीज़ देखने के लिए, ओनरशिप मतलब यहाँ पर फर्स्ट है या फिर सेकेंड है। तो यदि मान लीजिए आप किसी का बाइक यहाँ पर सेकेंड हैंड बाइक करते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल जाता है, या फर्स्ट ओनर या फिर सेकंड ओनर। उसके यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्यूल टाइप, और उसके बाद यहाँ पर चेसिस नंबर, इंजन नंबर, तो रजिस्ट्रेशन डेट भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर सभी चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो कि अथॉरिटी है, कहाँ से यह बाइक यहाँ पर आपने बाइक किया हुआ, सभी देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाती है इसमें। उसके अलावा यदि मान लीजिए आपका कोई कार है या फिर मान लीजिए किसी कार का और यहाँ पर अपना कार का नंबर डाल सकते हैं, डालने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगा। उसी तरह से आपको यहाँ पर बस और ट्रक, उसके बाद ट्रैक्टर, तो यह सभी। इसके अलावा यदि मान लीजिए आप किसी कार का नंबर स्कैन करना चाहते हैं डायरेक्ट, यदि नंबर नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ से जो कि स्कैन बटन है, स्कैन बटन को आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लाइसेंस भी चेक कर सकते हैं, जो कि आपका लाइसेंस नंबर होता है यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपका जो कि लाइसेंस है चेकआउट हो जाएगा, वह रियल है या फिर फेक है या फिर नहीं कटा, तो यहाँ पर आपको गाड़ी का नंबर डाल देना होगा। जहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पर गाड़ी का नंबर डाल देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं किस तरह से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। जहाँ पर तो यहाँ पर गाड़ी का नंबर डालने के बाद सिंपली लेआउट कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाता है। डन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद सर्च पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर आपको इस ऐड को क्लोज कर देना। क्लोज करने के बाद कुछ इस तरह से जैसा कि देख सकते हैं चालान कुछ इस तरह से आपको स्टेटस देखने के लिए मिल जाता है, कब चालान कटा था और कितने बजे कटा था, इसके अलावा यहाँ पर चालान नंबर क्या है, और इसके अलावा यहाँ पर कितना अमाउंट आपको पे करना होगा और पेंडिंग में, या फिर आपका जो कि पेमेंट है कंप्लीट हो चुका। तो कुछ इस तरह से यह सभी डिटेल आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो यह ऐप आपको बहुत ही यूजफुल
फुल है आपके बाइक के लिए, इसके अलावा कार के लिए, जितने भी यहाँ पर व्हीकल होते हैं सभी के लिए। इसके अलावा यहाँ पर RTO का यदि मान लीजिए आप एग्जाम देना चाहते हैं तो यह सभी चीज़ आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। इस ऐप में आप बहुत ही आसानी से गाड़ी का इन्फॉर्मेशन या फिर ओनर का इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं और चालान चेक कर सकते हैं जी अपन, तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है यह सभी। तो हमें उम्मीद आप समझ गए किस तरह से आपको चेकआउट करना है, जो भी आपका बाइक है या फिर जो भी व्हीकल है बहुत ही आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद आप समझ गए किस तरह से आप चेकआउट कर सकते हैं, जो कि गाड़ी नंबर है उसका यहाँ पर जो कि ओनर है उसको भी चेक कर सकते हैं किसके नाम पर रजिस्टर, इसके अलावा बहुत सारे आपको डिटेल देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।